शुक्रिया, धन्यवाद। अर्चना जी, आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। क्यों? ये वैसे तो वर्ड नॉन पर्सनैलिटी है, पर हैं ये पंजाब से और ये सरदार हैं और ये क्रिकेटर हैं और ये कमेंटेटर भी हैं। इससे पहले कि आपको हार्ट अटैक आ जाए, मैं आपको बता दूं, सिद्धू जी नहीं आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं हम सबके चहेते क्रिकेट की दुनिया के दूसरा स्पेशलिस्ट टर्मिनेटर हरभजन सिंह और उनकी बेटर हाफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस गीता बसरा। और गीता के लिए जोरदार तालियां। पजी बाजी, गीता भाभी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। पजी बाजी, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं। जी। अच्छा पजी बाजी, जब पहली बार हमारे शो पे आए थे तब ये सिंगल थे। जी। दूसरी बार जब ये आए तो शादी हो चुकी थी और भाभी के साथ आए। अब दोनों जो हैं बड़ी प्यारी सी बिटिया के पापा बन चुके हैं। पाजी, चौथे एपिसोड की क्या प्लानिंग है? वो भी कर लेंगे प्लानिंग, कोई बात नहीं। आज अनाउंस कर दो क्या रिलीज डेट। पर गीता, सीरियसली आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैंने जैसे बोला कि भजी पाजी पहली बार आए थे सिंगल थे, दूसरी बार शादी करके आपके साथ आए, अब आप एक बच्ची के पिता हैं, भजी पाजी में कितना चेंजेस जो है आपको दिखते हैं? आई थिंक हम दोनों काफ़ी चेंज हुए। आई थिंक जब बच्चा होता है स्पेशली वो मोमेंट पे आप बहुत बदलते हो, तो आई थिंक बोथ ऑफ अस आर क्वाइट पेशेंट एंड मज़ा आता है। अभी वो आई है यहाँ, बहुत ही प्यारी है। वेलकम हिनाया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। बच्ची बाजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए भाभी। थैंक यू। थैंक यू। भजी भाजी, हमारी टीम में हम सब क्रिकेट के फैन ही हैं, पर ऐसे ही सवाल था इनका। ये बोल रहे थे ऐसे ही कि भजी भाजी से पूछना कि ये जो डकवर्थ लुईस रूल होता है जी, ये समझना ज्यादा मुश्किल है कि बीवी किस बात पे नाराज है, ये समझना ज्यादा मुश्किल है। तो भाभी, इनका क्वेश्चन था, मेरा नहीं कुछ। मैं तो ऐसे ही डकवर्थ लुईस को समझना आसान है, बीवी को समझना मुश्किल। नहीं, एक्चुअली डकवर्थ लुईस मुझे वो भी समझ नहीं आया है, 4 साल में मोहतरमा भी नहीं समझ आई अभी। 4 साल से पहले भी हम 8 साल डेट कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा तो किसको समझ आएगा। पाजी, अर्चना मैम का सवाल था एक जी, कह रही थी कि आपकी शादी में दो दो प्राइम मिनिस्टर आए थे, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह जी और हमारे करंट जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी। ये जानना चाहती थी कि वो जैसे आए थे तो आपको लिफाफे में कितना शगुन डाल के गए थे? खुद ही पूछ लिया करो आप मेरे को, मत आगे किया करो। बदमाश कहीं। अच्छा पाजी, वैसे वैसे तो कहा जाता है कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पापा के ज्यादा क्लोज होती हैं जी। हिनाया किसके क्लोज है ज्यादा? हिनाया जब मैं घर पे रहता हूँ तो फिर ये उठना इसने मेरे साथ है, उसने चाहे 7 बजे उठे या 6 बजे उठे, उसने पहले मुझे उठाना है। उसने ये नहीं देखना पापा सुबह 3 बजे आया या 2 बजे आया, और उसने मुझे ही उठाना है। तो फिर अगर पापा घर पे हैं तो फिर पापा के साथ ही टाइम स्पेंड करती है। ये इतना ट्रैवल करते हैं कि शी हार्डली सीज हिम, सो व्हेन ही इज देयर उनको चाहिए कि पापा ही मेरे साथ रहे। वेरी गुड, बहुत प्यारी है ना। हिनाया, हेलो, यू वांट टू से समथिंग? क्या, कितनी कॉन्फिडेंट है बाजी। आई लव यू पापा। ओ मेरा बेबी। थैंक यू। सो स्वीट। भाभी ने सिर्फ पापा को बोला, आपको तो बोला नहीं। मम्मा, लव यू मम्मा। आई लव यू मम्मा। आई लव यू बच्चा। सो स्वीट। बेटे लव यू चाचू भी बोलता है, ऐसे बेइज्जती होती टीवी पे। आई लव यू चाचू। आई लव यू मेरा बेबी। बेटे दादी जी अर्चना जी सॉरी मैं मुंह से निकल गया, सॉरी। नानी बोल देते, चल नानी, लव यू नानी। ना।
कितने और ना माइक आगे आगे तीनों पाजी एक हमारी टीम में से एक सवाल है जी. कहते जैसे आप पंजाब में पैदा हुए, गीता इंग्लैंड में पैदा हुई जी. जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो वहां के प्लेयर आपको भज्जू भज्जू बोलते हैं कि जुजू जुजू मतलब अगर मैच हो साउथहैम्पटन में जो इनका शहर के बिल्कुल हाँ. पास है वहां तो कुछ आवाजें आती हैं जीजू जीजू. अच्छा, पर अपनी फैमिली के लोग आए रहते हैं. हाँ, बिल्कुल. और फ्री की टिकटें मिलती हैं, आ जाते हैं. नहीं तो वैसे अगर मैच दूसरी तरफ हो कहीं हाँ. तो फिर बज्जी बज्जी. अच्छा हाँ. वाओ, फ्री की टिकटें वैसे काफी देर से चल रही है, आपने एक बार मुझे पहले बताया था. जी हाँ, बिल्कुल. इनसे जब मैं मिला था तो मिलने का तरीका एक यही था कि आईपीएल में बुलाया जाए. तो मैंने कुछ पास भिजवाए थे, मैंने कहा कि मैच के लिए आ जाना. तो इसने वो पास जो है वो अपने ड्राइवर को दे दिए. वो ऊपर पवेलियन पे आराम से बैठ के मैच देख के गए. ड्राइवर नहीं था, फ्रेंड को भेजा था. ड्राइवर तो हमारे साथ वो डिनर करने आया था. ड्राइवर डिनर करने आया था, बताओ. गीता, कुछ सवाल है जनता के मन में जो उन्होंने मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया यहाँ पे. ये पूछना चाहते हैं कि संभालना किससे ज्यादा मुश्किल है, हिनायक को कि भज्जी बाजी को? जैसे आपने बोला ना, बीवियों को समझना बहुत मुश्किल है. हाँ. तो हम अपनी तरफ से भी बोल सकते हैं कि हस्बैंड को भी समझना उतना ही मुश्किल है. तो कहने का मतलब है, देखिए कोई सुपरस्टार हो, क्रिकेटर इतने बड़े सुपरस्टार है, आदमी जो पति होता है वो पति ही होता है बेचारा. हाँ. चलो, आप दोनों का झगड़ा होता है तो कौन पैसिफाई करता है? आपको नहीं पता? अभी तो एक साल भी नहीं हुआ, कब से शुरू होते भाई झगड़े वगैरह? डिपेंड करता है अपने अपने सहने की शक्ति कब तक है. आज पक्का पिटाई होगी घर पे जाके, बाकी बातों की बातें बाद में. यहीं से हो जाएगी पिटाई शुरू. पाजी, गीता और हिनाया में से कौन ज्यादा जिद्दी है? बच्चा मेरी हर बात मान लेता है, बीवी को मनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. कहते आप दोनों में जब कहा सुनी होती है तब पहले सॉरी किसको बोलना पड़ता है? Oh, you're such a liar. Don't even lie. He's never said sorry till date. मुझे ही करना पड़ता है. चलो ठीक है, मान ली. अच्छा, रिश्तेदारों और मेहमानों के आने से कौन ज्यादा डरता है? मुझे क्या? अभी सारे रिश्तेदार देख रहे होंगे तो वो मन में सोचेंगे, अच्छा भज्जी घर जाते तो उसका अच्छा नहीं लगता. अच्छा, एक दूसरे की एक बेस्ट चीज जो आपको भज्जी के बारे में बहुत अच्छी लगती है, बात भज्जी का ये है कि एक तो ही इज सो फनी, हंसाते रहते हैं. अगर एक लड़का एक लड़की को हंसा सकता है तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक लड़के में. Wow. So, प्लस जितना वो बाहर से वो स्ट्रांग दिखते हैं उतना उनका दिल बहुत नारियल है, अंदर से नरम. जैसे आपने कहा कोई अगर पति जो है अपनी पत्नी को हंसा सकता है तो वो बड़ी बेस्ट बात है. ये आप बोल रहे हैं क्योंकि आपके हस्बैंड क्रिकेटर हैं और फिर आपको हंसाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है. जिनके पति सिर्फ हंसाते हैं वो नहीं मानती ये बात. ऐसा मैंने सुना है. एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो. अच्छा, एक बुरी बात जो आपको भज्जी भाजी के बारे में बुरी लगती है? ये जिद्दी है. जिद्दी तो है. फिर उन्होंने जिद करी थी कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है मेहनत करके, वो तो अच्छी बात भी है इन ए गुड वे. तो पाजी, गीता के बारे में एक सबसे अच्छी बात जो आपको लगती है? इसकी अच्छी सबसे बात ये है कि जो इसका ओपिनियन है मेरे लिए वो बाकियों से अलग रहता है और वो उसको अलग अंदाज से ये देखती है. क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ आपको बतौर क्रिकेटर जानते हैं या बतौर एक दोस्त जानते हैं. ये उस तरीके से जानती है कि जो सही है वो सही है, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या नहीं. ऑनेस्ट ओपिनियन है कि ये यहाँ पे तो गलत है तो वो गलत बताती है. बहुत अच्छी बात है पाजी, आपको ऐसा पार्टनर मिला, जरूरी भी होना चाहिए. पाजी, एक आदत जो आप गीता की जो बदलनी चाहते हैं? ये लेट बहुत हो जाती है, कहीं भी जाना हो तो ये बहुत टाइम लगा. मैं तैयार होके बैठा रहता हूँ. हाँ जी, आज कौन रेडी था फर्स्ट? मैं. आप कर लो, हम निष्कर्ष निकालते हैं, आप लड़ लो आप. गीता, हमने ना बहुत बार देखा जब क्रिकेटर्स जो हैं प्लेयर्स खेलते हैं ग्राउंड में तो उनकी जो बीवियां हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रेयर करती हैं, है ना? कभी आपने ऐसा किया है कि आज भज्जी बॉलिंग करने जा रहे हैं तो ये? बहुत 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 कई बार ऐसा होता था जब विकेट
बज्जी को मिलती थी और मैं एक पोजीशन में खड़ी थी या यू नो डोर के नीचे मैं जा रही थी और विकेट मिल गई तो मैं वहीं खड़ी रहूं. अच्छा, इस मामले में पूरी सुपरस्टिशियस. क्योंकि मुझे लगता था कि यार शायद यही इसके इसके कारण है. तो मान लो आप कहीं ऐसे हुई और बज्जी जीत गई, आप ऐसे देखिए. वाओ. नो, आई वाज वेरी सुपरस्टिशियस. जब ये खेलते थे तो मेरा तो हार्ट. किसी के ऊपर किस्सा है मेरे पास कि एक मैच था बहुत फेमस जिस मैच के कारण शायद मेरी जिंदगी बदल गई, जिसमें मैंने हैट्रिक ली थी. उस अच्छा मैच में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की पार्टनरशिप हुई थी. एक दिन हमारी विकेट ही कोई नहीं गिरी और वो दोनों बैटिंग करते रहे. अगला दिन आधा दिन बैटिंग कर गए वो, तो सौरव गांगुली आउट होके आए थे और आके बाहर बैठे थे और उन्होंने टॉवल लपेट लिया था. टॉवल लपेट के बाहर बैठ गए वो और हम जहाँ जहाँ बैठे थे वो पूरा दिन हम वहीं बैठे रहे. अगले दिन जब मैच शुरू हुआ कि दोबारा सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतारी है और वही टावल लपेटा है, वो वहीं बैठे हैं, सारे वहीं के वहीं बैठे हैं ताकि विकेट ना गिर जाए. अच्छा, तो ऐसा तो क्रिकेट टीम भी करती हो और ऐसे कितने लोग होंगे. पर थैंक यू उन सब भाइयों का और बहनों का जो भी क्रिकेट मैच देख के हमारे लिए दुआ करती हैं. पाजी, ग्राउंड पे आजकल तो इतने सारे कैमरा लगे होते, मतलब चीटिंग की कोई संभावना ही नहीं है कि आप ऐसे करके अगर मेरे से नहीं छूटी है. कई बार होता है ना मिसफील्ड हो गया आपसे. बिल्कुल. या आपकी बॉल पे छक्का पड़ गया मान लो, तो उस समय जो कैमरामैन होते हैं वो आपका क्लोजअप दिखाते हैं. आप अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हो? निकलता ना मुंह से को, है ना, कुछ कुछ गर्म शब्द निकल जाते हैं मुंह से. बिल्कुल, बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है उस टाइम पे. तो अपने मुंह नीचे डाल के अपने आप को बोलना है, बोल लो. वो शब्द निकलने जरूर है. शब्दों का उच्चारण विराट कोहली बड़ा तगड़ा करता है. और अच्छा, वो एक बेन स्ट्रोक है इंग्लैंड का प्लेयर, तो उसके बारे में हमेशा कहते हैं, बेन स्ट्रोक कहता है यार ये विराट कोहली मेरा सबसे तगड़ा फैन है. कहते जी वो क्यों? कहता यार कोई भी विकेट गिरे, साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज की, विराट कोहली जब देखो मेरा नाम ही लेता रहता है. गीता, कभी ऐसा हुआ आप मैच देख रही हैं, भज्जी खेल रहे हैं, भज्जी ने बॉलिंग की, इनको छक्का पड़ा और लोगों ने आपकी तरफ देखना शुरू कर दिया? आप गीता पे हाथ रखिए. अच्छा. और कसम खाइए जो कहेंगे सच कहेंगे. जो कहूंगा सच कहूंगा. गीता के अलावा आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? इनसे तो आपने शादी कर ली. एक्ट्रेस मतलब एक्टिंग की स्किल में या देखने वाली स्किल में? मतलब आप दो तरीके से देखते हो. कोई शक्ल से पसंद है, कोई उसके काम से पसंद है. बिल्कुल. तो शक्ल से मैं कहूंगा कि कैटरीना कैफ. अच्छा. और काम के मुकाबले में मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा से ऊपर कोई नहीं है. गीता, सेम बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भज्जी पाजी के अलावा आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बॉलर आई थिंक जसप्रीत बुमराह. ओके. एंड बैट्समैन ऑब्वियसली विराट एंड रोहित. सुपर्ब. गीता भाभी, भज्जी से मिलने के बाद क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया? आपने मैच वैच देखने शुरू किए? पहले तो नहीं देखती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन है. ऐसे तो नहीं हो सकता. पाजी, ऐसे आप मानते हो? वाह यार, I swear, I didn't know how good he was. I didn't know कि actually वो करते क्या है क्रिकेट में. यू नो, बॉलर है, बैट्समैन है. आई डिडंट नो, क्योंकि मैं उस घर में पैदा नहीं हुई जिसमें मेरे यू नो पापा स्पोर्ट्स देखते हैं या माय ब्रदर वॉचेस स्पोर्ट्स. कोई स्पोर्ट्स भी नहीं देखता है मेरे घर में. बिल्कुल. जैसे ना मेरे पापा क्रिकेट को बहुत फॉलो करते थे और मेरी ना एक क्लासमेट था, मैंने शायद आपको बताया भी था, हरविंदर सिंह. हाँ जी, हाँ जी. तो वो सिलेक्ट हुए ना जब, तो बोलते कि प्रिंसिपल ने ना इनके ऑनर में पार्टी रखी है. अब मैं था कॉलेज में, फेमस प्लेबैक करता था. मैं कहा ये कौन आ गया जो हमसे ज्यादा मशहूर है हो गया. तो मैं जाके मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये बंदा मतलब कैसे क्रिकेट में, बोलते ये इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया. मैं कहा ये सचिन तेंदुलकर वगैरह उनके साथ खेलने, कहते हैं मगर यार एक फोटो खिंचानी आपके साथ. आपने वो हैरू की बात करी, वो शराटे से ना, शराटा पिंड. हाँ जी, हाँ जी, शराटा. तो वहाँ से है, तो अंग्रेज़ी में उनका हाथ बड़ा मेरी तरह ही था. तो हम दोनों इकट्ठे ही थे,
बैठे हुए हैं वहाँ, हमारे लॉयर के पास बैठे हुए थे, तो हाँ. तो वहाँ एक फौजी आ गया बंदा, उन्होंने उनको मिले हैं और उसके बाद उन्होंने देखा दोनों क्रिकेटर बैठे हैं, कहते ओ हेलो गाइस आई एम लेफ्टिनेंट रजिंदर सिंह, कहता आई एम राइट हैंड हरविंदर सिंह. यार हमारे जो राइटर हैं अनुकल्प गोस्वामी जी, ये क्रिकेट के हार्डकोर फॉलोअर है, तो ये भी मुझे बोल रहे थे, कहते पज्जी पाजी और सहवाग इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी डरे रहते थे कि अब हमें मैन ऑफ द मैच मिलेगा, मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी, अब जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. सही बात पर सही बात है, बड़ा पंगा. असली मैच तब शुरू होता था हमारा. मैं हमेशा कहता था यार जो खेलने वाला मैच है ना वो आसान है, जो अंग्रेजी बोलने वाला मैच है ना वहाँ पंगा शुरू होता है. एक बार इम्प्रूव्ड अ लॉट भैया, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे घर में बैठ के कि नॉर्मली फ्लो फ्लो में हो गया इतना अच्छा फ्लो? मैं अब यहाँ मैं मान ही लेता हूँ, मैं एक गलती से मेरे साथ ना एक श्रीलंका की लड़की सेट हो गई थी. कुछ कहना मत प्लीज, बोलने दो, बंदा ईमानदार है. हाँ जी. तो वो थोड़ा अंग्रेजी में मतलब उसके जैसे जैसे वो बोलती थी उससे मैं बात सुन सुन के सीखता था. तो एक मेरे रूम पार्टनर हुआ करते थे अजीत अगरकर, वो जो ऑर्डर करता था मैं हमेशा सुनता था बड़े गौर से कि यार ये क्या मंगा रहा. वो कभी ऑर्डर करता था कैन यू प्लीज सेंड मी दिस, अगली बार वो पता नहीं अपने मर्जी से बोलता था कुड यू प्लीज सेंड मी दिस. मैं कहा यार ये कैन यू भी लगाता है कभी कुड यू लगाता है, ये है क्या? मुझे नहीं पता था कैन यू और कुड यू सेम ही है. हाँ. मैंने कहा जिस दिन नहीं, अच्छा मैंने कहा यार ये मैं ट्राई करूंगा, जिस दिन ये कमरे में नहीं होगा ना मैं भी अंग्रेजी में ऑर्डर करूंगा. हाँ. तो मैंने फोन उठाया बड़े दिलेरी से, मैंने फोन लगाया नीचे, तो लगाया फोन, मैंने कहा कैन यू कुड यू प्लीज. तो कहता वो बंदा कह रहा यस सर टेल मी सर. मैंने कैन यू कुड यू प्लीज कुड यू, तो आगे पता ही नहीं है बोलना क्या मंगाना क्या है, मतलब इतना प्रेशर में आ गया. एक बार ऐसी साउथ अफ्रीका में मैं लिफ्ट में था और हम छोटे छोटे थे अंडर 19 टूर पे गए थे और तब मुझे बिल्कुल ही हाथ तंग था. हाँ. कोई सवाल पूछता था मैं मुंह में कुछ डाल लेता था विल टॉक तो करके. ये आइडिया अच्छा है. हाँ बिल्कुल, जब कोई आपको अंग्रेजी में सवाल पूछे तो करते हैं बात करते तब तक आदमी सोच भी लेता था. बिल्कुल. तो वहाँ एक बहुत काफ़ी उम्र की एक औरत लिफ्ट में घुसी है और सडनली उसने देखा कि ये बाकी जो लड़के हैं वो अलग है, क्योंकि मैं सरदार था मेरा बहुत बड़ा जूड़ा था. हाँ. तो मुझे उसने ऐसे ही टच करके बोलती है व्हाट इज दिस. तो मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा रिलीजन है. मैं कह के कौन से फ्लोर पे गाड़ी रुकी मैं वहीं से निकला बाहर. मैं क्या अगली लाइन अगर उसने पूछ ली ना व्हाट रिलीजन काम फंस गया, बता नहीं पाऊंगा. ये छोड़िए, एक हमारे बड़े पुराने क्रिकेटर थे उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए. अच्छा. और वहाँ गए, वहाँ बच्चे आए, उनसे वो पूछने लग गए कि सर आर यू दिस आर यू दैट प्लीज साइन दिस. वो कहते थोड़ा वो कपिल इतने तो बच्चे भी अंग्रेजी बोल रहे हैं. पर वो श्रीलंका वाली बात तो रह गई बीच में. हाँ नहीं, वो श्रीलंका वाली वो लड़की मिली पता नहीं उसको क्या देखा मेरे में, तो उसने बातचीत करनी शुरू कर दी, बातें करते रहे. पर एक देखो ऐसा दौर होता है जब वो सिर्फ वो बोलती है मैं सुन रहा हूँ बस, उसी में दो दो घंटे निकल जाते हैं. हाँ. पता नहीं लगता टाइम कहाँ गया. तो वो उसने मेरी अंग्रेजी जो है वो मुझे थोड़ा सा ना वो खोल दिया कि यार. अच्छा. कोशिश करने लग गया मैं कि बोलने को हाउ आर यू फिर ये वो फलाना बहुत थोड़ा बहुत सीखना शुरू हो गया. तो वहाँ से मतलब जब आप गीता से मिले तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी थी? अब बेटर हो चुकी थी, इतनी भी इंप्रूव नहीं थी. पर अब पिछले साल वैसे मैं स्काई स्पोर्ट्स के लिए एक कमेंट्री करके आया हूँ इंग्लिश में. इंग्लिश में अब तो बहुत अच्छे बोलते हैं, अब तो आप बहुत फ्लो में बोलते हैं. पाजी हैट्स ऑफ, आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.